यात्रियों के साथ टीटी द्वारा मारपीट का एक और मामला आया सामने। कानपुर जल्दबाजी की होड़ में लोगों के द्वारा कई चूक होती है। अधिकांश ट्रेन में बिना टिकट लोगों को यात्रा करते देखा जाता है, जिसके लिए रेलवे विभाग के द्वारा टीटी की नियुक्ति की गई है, जिसका कार्य होता है ट्रेन में बिना टिकट लिए यात्रा कर रहे लोगों को पकड़कर उनका चालान करना या तो संबंधित स्टेशन के जीआरपी पुलिस के सुपुर्द करना। पर कानपुर सेंट्रल में टीटी के द्वारा आए दिन अवैध वसूली और यात्रियों के साथ मारपीट जैसी घटना देखने को मिलती है। ताजा मामला शुक्रवार को देखने को मिला, जहां एक यात्री बनारस से कानपुर में आरआरबी की परीक्षा देने आया था, जिसका परीक्षा केंद्र कल्याणपुर बताया जा रहा है। उसके साथ कानपुर सेंट्रल पर मौजूद गौरव सिंह नाम के टीटी द्वारा बुरी तरह से मारपीट कर दी गई, जिससे यात्री के निजी अंग पर गंभीर चोटें आई हैं। बताते चले, शुक्रवार सुबह करीब 10:30 पर रेलवे स्टाफ द्वारा घटना की सूचना दी गई कि गाड़ी संख्या 12561 आगमन समय पर जीएस कोच के पास प्लेटफॉर्म नंबर 2 हावड़ा एंड में स्टेशन पर टिकट चेकिंग स्टाफ टीटी सीएनबी गौरव सिंह ने एक यात्री के साथ बुरी तरह मारपीट कर दी। दर्द के कारण यात्री को रोता देख रेलवे के अन्य स्टाफ ने घटना की सूचना जीआरपी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डिप्टी एसएस कानपुर सेंट्रल को चिकित्सा हेतु जानकारी देते हुए मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंची जीआरपी हेड कांस्टेबल सतीश कुमार यादव पहुंची तो मौके पर ऑन ड्यूटी टीटी और पीड़ित यात्री मौजूद मिले, जिसके बाद पीड़ित यात्री को व्हीलचेयर की सहायता से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले जाकर रेलवे डॉक्टर द्वारा प्राथमिक इलाज कराकर केपीएम हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। घटना की जानकारी करने के लिए जब जीआरपी थाना प्रभारी को फोन मिलाया गया तो उनसे बात न होने के कारण घटना का सही कारण पता नहीं चल सका। बनारस है पूरा इनका घर कहां पे है? रावतपुर में सर। ये एडमिट कार्ड देखिए सर, एडमिट कार्ड देखिए इधर। ये बेहतर है, ये मेरा है। ये अपनी मेरी नीचे गिर गई, यही चेक करने के लिए सर। पैसेंजर से मैंने मेरा बैग चेक करने के लिए ले जा रहे थे, कोने पे मैं नहीं गया था। देखिए मेरे एडमिट कार्ड का क्या दशा कर दिया। हां कागज की तरह 10 रुपए का कागज है मेरा। देखिए सेंटर है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।